हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हम फिज़िक्स के सारे 5, 6, 11 और 15 मार्कर्स डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर ये हिंदी का वीडियो है, इंग्लिश का वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगी। MPPSC 2020 और 2019 की सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मेरे नोट्स हैं, यूनिट वाइज बना रहे हैं, तो थर्ड पेपर की ये फर्स्ट यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंक्लूड हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम आज का लेते हैं, प्रकाश उत्सर्जन डायोड को समझाइए। ये जो हमारा है ये 5 या 6 मार्कर में अगर आएगा तो हम इसे लिखेंगे। आज के जो हमारा सेशन है इसमें 5, 6 और 11 और 15 दोनों ही कवर किए हैं। इसके साथ ही आपका जो फिज़िक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रकाश उत्सर्जन डायोड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं LED, जिसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है ये, अगर आप लोगों ने देखा हो जन्माष्टमी दिवाली फेस्टिवल्स पर हम लोग छोटे छोटे LED बल्ब लगाते हैं, जिनको लड़ी बोलते हैं, लाइट की रोशनी की। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पर है, ये वही चीज़ है जो उसमें LED बल्ब बोलते हैं हम, कि LED बल्ब लगाएंगे, उसी के बारे में हमको यहाँ लिखना है कि प्रकाश उत्सर्जन डायोड को समझाइए। तो क्या होता है प्रकाश उत्सर्जन डायोड, देखते हैं। एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। एक क्या होता है, अर्धचालक डायोड होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। LED जो है, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जन डायोड, वो एक ऐसी युक्ति है जो बायसिंग बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा, मतलब दृश्य और अदृश्य प्रकाश और अवरक्त किरणों में परिवर्तन करती है। दृश्य, अदृश्य और अवरक्त किरणों में परिवर्तन करती है। इसका मुख्य प्रकाशोत्पादक घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है, यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। क्या होता है ये जो LED, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन चिप है। ये जो LED है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चिप है जिसमें से बिजली गुजरती है, उसके इलेक्ट्रॉन अवशोषित हो जाते हैं। जैसे ही उस इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉनिक चिप है उसमें क्या है, बिजली विद्युत जाती है, उससे कनेक्ट होती है, कांटेक्ट में आती है, और वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेशित हो जाते हैं उसके, और उसके बाद आवेश वाली ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करती है। तो ये क्या है, हमारा प्रकाश उत्सर्जन कॉन्सेप्ट है, कैसे LED काम करती है। अब इसकी विशेषताएँ क्या है LED की, LED को हम इतना यूज़ टू क्यों हो, इतने फ्रेंडली क्यों हो रहे हैं LED से, क्यों इतना ज़्यादा LED का यूज़ कर रहे हैं, पहले CFL यूज़ करते थे, अभी LED, तो कैसे ये सब चीज़ें, देखते हैं। किसी भी प्लास्टिक फिल्म में लगा सकते हैं, आपने देखा होगा जो मार्केट की जो लड़ियाँ आती हैं है ना, वो प्लास्टिक की फिल्म ही होती है, उसके अंदर ही LED जो बल्ब है वो लगा होता है। ऊर्जा की कम खपत, लंबा जीवन काल और छोटा आकार, देखा होगा आपने, बहुत छोटी छोटी होती हैं वो। ये लगभग 1,00,000 घंटे प्रकाश दे सकता है, जो इसका लाइफ है वो इतना है। सेल फोन, विज्ञापन बोर्ड, फ्लैक्स में देखा होगा आपने, बस स्टॉप वगैरह में जो रात में फ्लैक्स चमकते हैं उनके अंदर भी जो लाइट जो दिख रही है आपको, वो LED के वजह से ही है, ठीक है। तो इन सब में क्या है, इनका यूज़ होता है। TV डिस्प्ले की जो पिक्चर होती है, जो पिक्चर क्वालिटी आजकल टेलीविज़न की बोलते नहीं, LED TV है, LCD, तो उन सब में क्या है, LED के वजह से जो उसकी पिक्चर क्वालिटी, जो उसका डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा सुधर गया है। उसका डायग्राम देखिए, यहाँ छोटा सा मैंने बनाने की कोशिश की है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ये ऐसा है कुछ इस तरह से। ये दो वायर हैं, ओके, एक कैथोड है और एक एनोड है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, और यही जाके अंदर एक चिप ऐसी चिप टाइप की है, उससे ये कनेक्ट है। ये क्या है, LED की चिप है, और जो वायर है ये चिप से कनेक्ट है ना, और ये उसके ऊपर जो है ये प्लास्टिक का एक फ्रेम, मतलब उसमें कोटिंग है। तो इस तरह से हमारा एक LED बल्ब जो होता है वो दिखता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है किसके बारे में, LED, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है मैंने ये, आप ताकि समझ जाइए कि फिज़िक्स में सिर्फ
सिर्फ क्या कहते हैं न्यूटन सिर्फ या गुरुत्वाकर्षण बल पढ़कर काम नहीं चलेगा, हमें इस तरह की चीज़ें भी अपने सिलेबस में हैं और उन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन था हमारा, प्रकाश उत्सर्जन डायोड को समझाइए, एलईडी को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं उसके प्रायोगिक उपयोगों की विवेचना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं उसके प्रायोगिक उपयोगों की विवेचना। तो पहले तो हम देख लेते हैं जो हमारा पहला वर्ड है आंसर में लिखना है हमको अपवर्तन, क्या होता है अपवर्तन। ठीक है, इसके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। अब क्या होते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम? सघन माध्यम थोड़ा सा डेंस, जैसे कि हम कांच ले लेते हैं, ठीक है कांच, और विरल माध्यम में हम क्या ले लेते हैं हवा। ठीक है, तो सघन माध्यम क्या हो गया हमारा, कांच हो गया, और विरल माध्यम में क्या हो गया हमारा, हवा हो गया। तो क्या हो गया, ये दो अलग अलग माध्यम हो गए। अब अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पर अपनी जो सीधी रेखा है, जैसे ऐसे जा रहा था तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अपने जो सरल रेखीय मार्ग है इससे विचलित हो जाए, या तो इधर चला जाए या इधर चला जाए, विचलित हो जाए मतलब थोड़ा सा मुड़ जाए, तो वो क्या कहलाता है हमारा, अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को अपवर्तन क्या है? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, कोई भी अपवर्तन के नियम है, जैसे आपतित किरण जो डल रही है वो आपतित किरण है, एक अभिलंब है जो 90 डिग्री का है, और परावर्तित किरण जब ये किरण यहाँ जाके यहाँ रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, तो वो परावर्तित किरण। तीनों क्या है, एक ही तल पर, ये जैसे तीनों, जैसे ये है तो यहाँ ये गई ये या फिर ये, तो क्या है ये तीनों एक ही तल में स्थित होनी चाहिए, ये नियम है अपवर्तन का। ठीक है, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, और ये कन्फर्म मतलब बात है कि एक सघन माध्यम है, जैसे ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुकती है, मतलब अभिलंब मतलब ये 90 डिग्री का एंगल जो है इसकी ओर झुकती है, और जब सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। ओके, एक तरफ क्या होगा, ये अभिलंब है तो इसके ओर झुकेगी, और दूसरी टाइप क्या होगा, इससे दूर जाएगी। क्लियर हो गई बात? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं उसके प्रायोगिक उपयोगों की विवेचना करना है हमें, तो क्या लिखेंगे हम इस क्वेश्चन में, कैसे फ्रेम करेंगे, देखिए। जब अपवर्तन की घटना में प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में जाकर वापस सघन माध्यम में लौट आए तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। कैसा, ये सघन माध्यम है, ठीक है, ये विरल माध्यम है, तो क्या बोला हमने, प्रकाश की ये किरण है ये सघन से विरल माध्यम में जाकर है ना वापस सघन माध्यम में लौट आए तो यह क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। नीचे डायग्राम है, मैंने यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की है, देखिए ये आपतित किरण है, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ये आपतित किरण गई, ये अभिलंब है हमारा जो एन, और ये क्या हुआ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाकर वापस पूर्ण रूप से वापस लौट आई, कहाँ, सघन माध्यम में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। आगे देखते हैं, यह घटना सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, ये आपतित किरण है इसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या है, आपतन कोण, तो आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से अधिक होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम में ही पूर्ण परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, पूर्ण परावर्तित हो जाती है, अर्थात आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण अभी मैंने अपवर्तन बताया था आपको, तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। अब देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है, अगर कोई ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ठीक है, और कोई अगर ये आपतित किरण यहाँ से यहाँ गई, सॉरी ये आपतित किरण है, ये हमारा एक माध्यम सघन और ये विरल माध्यम, यहाँ से आपतित किरण गई और ये अभिलंब है, मतलब जो ये किरण गई ये यहाँ पर ऐसे मुड़ जाए
और इसके बीच में जो एक एंगल बनेगा ये हमारा 90 डिग्री, तो ये जो एंगल बन रहा है यही हमारा क्या होगा, क्रांतिक कोण। हमने लिखा है ना, आपतन कोण का मान, ऐसा मान जिस पर आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, ये हमारी आपतित किरण गई, तो और यहाँ से जब ये ऐसा है तो आपतन कोण ये बन रहा है, तो ये आपतन कोण जो बन रहा है ये तो क्या है 90 डिग्री हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे किससे, म्यू से प्रकट करते हैं, म्यू स्क्वल टू अपॉन साइन सी, जहाँ सी क्या है, क्रांतिक कोण है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल्स, जैसे जल में परख नली का चमकीला दिखना, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका और प्रकाश तंतु, ये सारे क्या हैं हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसीलिए ये नहीं सोचेगा कि हम मोटा मोटा पढ़ लें, हमें सब पढ़ना है। क्रांतिक कोण भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब भी सघन माध्यम से एक आपतित किरण, ये 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ से यहाँ आपके ये जो किरण है ये यहाँ पे मुड़ जाए ऐसा, और जो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यही हमारा क्या है, क्रांतिक कोण। आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो वो क्या हमारा, क्रांतिक कोण। तो ये इसके लिए आवश्यक है, समझ लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसके एग्जांपल भी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, 11 और 15 मार्कर, वो हमारे जो क्वेश्चन थे 5 और 6 थे और ये हमारा क्या है, 11 और 15 मार्कर। तो इसमें हमने क्वेश्चन लिया है न्यूटन के गति के नियमों का वर्णन करें। ये ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा जितनी है उतनी ही लिखनी है हमें, शब्द सीमा को नहीं बढ़ाना है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्या, न्यूटन के गति के नियमों का वर्णन। सभी जानते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम है, 3 नियम है, सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं, ये उनकी बुक प्रिंसिपिया में इसका था। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन के गति के नियम। पहले तो मैं बता दूं कि जो न्यूटन है ना, उन्होंने बल और द्रव्यमान के आधार पर गति के आधारभूत नियम दिए हैं, इसलिए इन्हें न्यूटन के गति विषयक नियम कहते हैं। किसके, बल और किसके आधार पर, द्रव्यमान। ठीक है, तो बल और द्रव्यमान के आधार पर ही न्यूटन ने क्या दिया है, अपने गति के आधारभूत नियम दिए हैं, इसलिए इन्हें न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। ठीक है, ये नियम जो है धरती पर स्थित वस्तुओं और साथ में जो खगोलीय पिंड है हमारे उन पर भी लागू होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला नियम न्यूटन का, जिसे न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं, गैलीलियो का भी नियम कहते हैं और जड़त्व का भी नियम। क्यों इनके इतने नाम हैं हम आगे देखते हैं, डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें क्लियर होगा हमें। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि वह गति अवस्था में है तो उसी वेग से, नोटिस कीजिएगा, उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। ठीक है, जैसे बस में अचानक चलने पर उसमें जो बैठा यात्री है, मतलब बस की अचानक, जैसे एक यात्री बैठा है किसमें, बस के अंदर, एक यात्री है ये बैठा है किसके अंदर, बस के अंदर। अब क्या होगा, बस अचानक से चलने लगी। ठीक है, तो उसमें जो बैठा यात्री है उसके शरीर का जो ऊपर का भाग है वो झुकने लगता है ना, कब, बस के अचानक चलने पर। ठीक है, अब क्या है, गाड़ी के संपर्क में रहने वाला शरीर का जो भाग है, शरीर कहाँ था, गाड़ी के संपर्क में था, अंदर था, तो शरीर का भाग जो है वो बस के वेग से चलने लगता है, इसलिए मैंने कहा ना उसी वेग से, तो जो पोर्शन था उसके शरीर का ऊपर का भाग वो किसके वेग से चल रहा है, शरीर का भाग जो है वो बस के वेग से चलने लगता है, परंतु जो यात्री का शरीर का ऊपरी भाग है वो विरामावस्था में था। ठीक है, तो जड़त्व के कारण स्थिर ही रहता है, इसलिए मैं आगे बताती हूँ आपको, जो इसीलिए इसको प्रथम जो नियम है उसमें बल और जड़त्व दोनों की अवधारणा मिलती है, बल और जड़त्व, क्यों, एक विरामावस्था का जड़त्व और दूसरा गति अवस्था का। मैंने बोला ना, जैसे ही बस अचानक से चली
तो व्यक्ति का जो शरीर है ना, वो क्या बस के वेग के साथ चलने लगता है, शरीर का भाग बस के वेग से चलने लगता है, लेकिन जड़त्व के कारण स्थिर रहता है उसका ऊपरी भाग, इसलिए वो अचानक से क्या है जिसमें वो पीछे की ओर झुक जाता है, ऐसा अनुभव होता है कि किसी ने पीछे की ओर उसे धक्का दे दिया हो। तो ये क्या है हमारा प्रथम नियम, इससे दो बातें निकलते आती हैं जड़त्व की, पहला विरामावस्था का जड़त्व और दूसरा गति अवस्था का जड़त्व। ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं हम, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं, तो ये क्या है हमारा प्रथम नियम। द्वितीय नियम लेते हैं हम, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। P इज इक्वल टू एम इंटू वी संवेग की धारणा प्रस्तुत करता है, जो द्वितीय नियम है न्यूटन का। संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जो दूसरा नियम है न्यूटन का है ना, वो क्या है संवेग पर आधारित है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं। उदाहरण देखते हैं इनके, गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श के तुलना में कम चोट लगती है, महसूस भी क्या होगा, मिट्टी पे गिरो तो कम चोट लगती है, टाइल्स पे या पक्के ज़मीन पे गिरो तो ज़्यादा ज़्यादा चोट लगती है हमें, ठीक है। हम न्यूटन का तीसरा नियम देखते हैं, इसे बोलते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम देखते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हमने दीवार को मारा, ठीक है, तो दीवार हमको नहीं मारती लेकिन उसके हमने उसको मारा तो चोट हमको भी लगी, देखते हैं। उदाहरण से समझे ज़्यादा समझते हैं, जैसे पिस्तौल से गोली चलाने पर गोली आगे की ओर जितने बल से निकलती है, हमने पिस्तौल रखी गोली चलाई, गोली आगे की ओर जितने बल से निकलती है उतना ही बल पिस्तौल के पीछे की ओर विपरीत दिशा में भी लगता है। पिस्तौल है, आगे की ओर गोली चली, फोर्स लगा हमको आगे की ओर चलाने में, लेकिन इतना ही बल जब गोली आगे चलती तो उतना ही बल पीछे की ओर व्यक्ति को भी लगता है। अगर जैसे राइफल रखते हैं कंधे पर तो पीछे की ओर आदमी, आपने देखा होगा मूवीज़ में, तो जैसे शॉटगन चलाते हैं राइफल तो पीछे की ओर कंधे की ओर उसका धक्का लगता है, तो क्या है बंदूक को गोली से छूटते समय पीछे की ओर झटका लगता है। रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है, अंतरिक्ष में जाने वाला जो रॉकेट है जेट प्लेन है, तो वो भी क्या है क्रिया प्रतिक्रिया पर ही कार्य करते हैं। अब हम आगे आते हैं जो संवेग संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम का संयोजन का परिणाम है। क्या संवेग संरक्षण का नियम, क्या है संवेग संरक्षण का नियम, यदि किसी समूह में वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही हैं तो क्रिया के पहले और क्रिया के बाद उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है जब तक उन पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उन पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। उदाहरण, बराबर संवेग वाली गेंद का आपस में टकराते हैं तो अचानक वो रुक जाती हैं। देखा होगा कभी कभी आपने कि कोई गेंद यहाँ से कोई गेंद वहाँ से आई और वो आपस में टकराई, कोई चीज़ होती है ना दोनों टकराती है, टकराने के बाद ये तो नहीं होता कि वो फूट जाएँ कहीं अलग अलग डायरेक्शन में, वो जाती हैं और वो वहीं रुक जाती हैं। तो ये हमारा क्या है संवेग संरक्षण का नियम। तो इस तरह से हमने 11 और 15 मार्कर्स को कवर किया, न्यूटन की गति का नियमों का वर्णन करना था तो हमने सिर्फ न्यूटन की गति के नियमों का ही वर्णन किया, हमने कोई इधर उधर की बात नहीं लिखी है। तो इस तरह से हमारा फिजिक्स का जो थर्ड पेपर है फिजिक्स किसमें है इकाई एक में है, वो कंप्लीट होती है। उसके 3 मार्कर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उसके जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस थे वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। और आज हिंदी में आपको इसके 5, 6 और 11, 15 मार्कर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। जल्द ही मैं इसका इंग्लिश का वीडियो भी ले आऊँगी। सो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम वालों का यूनिट फर्स्ट जो है थर्ड पेपर का कंप्लीट है, मैंने पहले ही आप लोगों को यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट करा दी है और आज यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमने थर्ड पेपर की 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। हम आएंगे नेक्स्ट अब फिर यूनिट 2 पर।
यूनिटी कौन सी, हमारी केमिस्ट्री है। इसके भी मैंने 3 मार्कर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, और इसमें भी मैं एज इट इज़ सेम यही कॉन्सेप्ट रखूंगी कि पहले मैं आपको 3 मार्कर के बाद डिफरेंसेस कंप्लीट कराऊंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बन सकते हैं केमिस्ट्री में एग्जाम के पर्पज से, और उसके बाद फिर हम उसके 5, 6, 11 और 15 मार्कर्स डिस्कस करेंगे। और जो मेरे डिफरेंसेज होते हैं उसमें 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के या 6 नंबर के क्वेश्चन, 11 और 15 नंबर के क्वेश्चन सभी कवर होते हैं। और डिफरेंसेस में मैं जो क्वेश्चंस कवर कर लेती हूँ उन्हें मैं रिपीट नहीं करती हूँ अपने 5, 6, 11, 15 के क्वेश्चन में। तो ये बात ध्यान रखिए, कम से कम आप लोग अगर एक पूरा पंच देखते हैं यूनिट ए का, तो कम से कम आपको मुझे लगता है 100 3 मार्कर, 25 से 30 डिफरेंसेस, और कम से कम 25 से 30 आपको 5, 6 और 11 नंबर के, तो कुल मिला के आपको कम से कम 150 से 170 प्रश्न मिलते हैं एक यूनिट में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ छूट पाएगा। और साथ ही जो पेड ग्रुप के मेंबर्स बनेंगे, तो मैं एक एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद फिर उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रुप में डालते जाऊंगी, और जिसे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो एक छोटी सी आप लोगों के लिए मेरे द्वारा लिखी गई कोड, स्टार्टिंग के जो शब्द हैं वो प्रेमचंद जी के हैं, उनसे ही प्रेरित होकर ये आगे लिखा है। प्रेमचंद के शब्द हैं, बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहें, क्या सूखे के डर से बाढ़ को आमंत्रण दे दें, क्या हार के डर से जीत की तैयारी छोड़ दें, क्या हार के डर से जीत की तैयारी छोड़ दें, क्या परिस्थितियों के डर से अपनी मंजिल बदल दें। तो फ्रेंड्स, अपनी मंजिल बिल्कुल मत बदलिए, जैसी भी परिस्थितियाँ हैं उनको फेस करिए और अपने लक्ष्य को पाइए, तभी तो वो आपका ड्रीम है, आसानी से मिल जाए वो ड्रीम ही क्या। सो फ्रेंड्स, थैंक यू आज के वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं यूट्यूब में, और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप चैनल में के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अभी तक कितने वीडियोस बन चुके हैं, और आपको किस वीडियो की नीड है, किस नोट्स की नीड है, किस सब्जेक्ट की, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।